इसकी शुरुआत 2004-05 में की थी, जब 20 बीघा अनार के पौधे वहाँ से महाराष्ट्र से मंगाए गए थे, और उसके बाद जब बढ़ाए जो यहीं से पौधे तैयार करके यहीं बढ़ाए, अभी 50-60 बीघा में अनार है। बड़े भाई पहले महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कंप्रेसर का कारोबार करते थे, वहाँ अनार की अच्छी पैदावार देखकर उन्होंने अपने यहाँ भी इसकी शुरुआत की। नौजवान किसानों ने अनार की कंधारी किस्म का पौधा लगाया है। अनार की ये किस्म सिर्फ महाराष्ट्र में ही बोई जाती है, लेकिन अब वहाँ भी ये नापैद होते जा रहे हैं। कंधारी किस्म के अनार के दाने बिल्कुल सुर्ख होते हैं। उन्होंने 60 बीघा जमीन में 4000 पौधे लगाए और ये अनार 100 से 120 रुपए फी किलो होलसेल कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। ये क्वालिटी अपने पास ही है, और आज के मतलब कम से कम मैं 2004-05 में लेके आया था महाराष्ट्र से, वहां भी करीब करीब खत्म हो गई है। इन दो नौजवान किसानों के मुताबिक वो फसल चक्र अपनाते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में भी अनार पैदा होते हैं। सर्दी के मौसम में जब अनार के पौधों पर फूल आते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है, जिससे गर्मी के मौसम में ही अनार की पैदावार होती है। मौसम गर्मा में अनार की पैदावार होने से अच्छी कीमत और मेहनताना मिलता है, और एक साल में तमाम अखराजात निकालने के बाद 50 से 60 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। फसल चक्र को बदलने के लिए जब अनार के पौधे पर फूल और इस तरह के आते हैं तो उनको लेबर लगा के तुड़वा देते हैं, और फिर सर्दी में हाँ रेस्ट मिल जाता है पौधों को थोड़ा, और फिर जब लेना होता है तब अपन इसकी पतझड़ करके फिर नई प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि नौजवानों को तालीम हासिल करने के बाद मुलाजिमत के लिए भटकना नहीं चाहिए। अगर खेती के लिए जमीन है तो इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं, आप दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर हॉर्टिकल्चर में उद्यान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनार को परिंदों से बचाने के लिए बाग में जाली लगी हुई है, ड्रिप सिस्टम के जरिए पानी दिया जाता है जिससे पानी की बचत होती है। यहाँ से रोजाना 100 के रेट अनार राजस्थान के दीगर अजला में फरोख्त के लिए जाते हैं। दोनों भाई मुलाजमत के बजाय खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और दूसरों को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। मरुधरा के ये किसान भाई उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो काश्तकारी को मुनाफे बख्श कारोबार नहीं समझते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।